अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसी आर्ट गैलरी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वाली डिज़ाइन जो हमने बनाई हुई है, एक तरफ का बना दिया है और दूसरी तरफ हमें बनानी है, हमने आपको बना के दिखानी है। तो ये डिज़ाइन हमें आप लोगों को बना के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे बनेगा। तो चलिए हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी तोरण पट्टी की आधे आध पे दोनों डिज़ाइन बनाई है, आधा हमने बना लिया है और आधा हम आप लोगों को बना के दिखाएँगे। तो देखिए, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक ये इस तरह का हम जो हमारा बंधा हुआ चेन है इसको छोड़ देंगे और सेकंड वाले से बनाना स्टार्ट करेंगे बीच से। देखिए, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस जगह से हम अपना ऊन को ज्वाइंट करेंगे। देखिए, उसके बाद तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद से इसी जगह से पाँच डबल क्रोशिया हम निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा तीन और ये चार, ये हो गया हमारा पाँच, पांच चेन हो गया। उसके बाद से देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन लेने के बाद से एक दो तीन, यहाँ पे हम इसको इस जगह यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको फिर से। एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन ले लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, फिर एक दो तीन, तो तीसरे में हम फिर से एक ही जगह से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, हो गया हम लोग का पांच डबल क्रोशिया। फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बनाने के बाद से एक दो तीन, तीसरे में हम इस चेन को ज्वाइंट करेंगे तीसरी जगह। एक दो तीन चार पाँच, फिर पांच बनाने के बाद से फिर एक ही जगह से हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और ये हमारी हो गई पांच डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में बना लेने हैं जैसे ये बना है। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से हम दूसरा स्टेप बनाएंगे। तो देखिए, हमने पांच यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था, पांचों में से डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, पहले वाले में डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले में दो डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, उसके बगल वाले में फिर दो डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले में दो डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा हो गया बीच बीच का चार डबल क्रोशिया, चार चार तो चार दूनी आठ डबल क्रोशिया टोटल हो गया। उसके बाद से देखिए, फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बनाने के बाद से क्या करेंगे, ये इस तरह से करके जहाँ से हमारा जॉइंट हुआ था वहीं ला के फिर जॉइंट कर देंगे चेन। और फिर देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बनेगा। फिर देखिए, पांच चेन बनाने के बाद से जो पहले चेन हमने यहाँ पे ज्वाइन इस जगह बीच में हमने जो ज्वाइंट किया था उसी जगह सेकंड वाले चेन को भी ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। फिर सेम प्रोसेस है, जैसे ही यहाँ पे बनाया है पांच डबल क्रोशिया पहले बनाया था तो उसमें पूरे में हमने डबल डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए इस तरह से आया है टोटल आठ डबल क्रोशिया, इसी तरह से पूरे में बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप बनाने के बाद से देखिए क्या करेंगे, इस तरह से तीन चेन बनाएंगे और एक में से दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक में से दो डबल क्रोशिया,
जितना हमारा है डबल क्रोशिया उतने में पूरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, उस तरह से आप लोग बनाएं। इस तरह से ये हो गया। फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन लेने के बाद से जहाँ पे हम चेन ज्वाइन किए हैं उसी जगह पे हम ज्वाइन कर देंगे, फिर पांच चेन लेंगे और अगले स्टेप में बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से फिर से मैं आप लोगों को लिए रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से देखिए एक, फिर उसी जगह डाल के वापस दो, फिर उसके बगल वाले में डाल के एक, फिर वापस दूसरी जगह डाल के दो। इस तरह से डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह देखिए इसी तरह पूरे में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड हम ये बना के पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए जितना था पूरे में हमने डबल डबल बना क्रोशिया करके बनाया हुआ है और इस तरह से ज्वाइन किया है तीनों। तो इसके बाद से हम देखिए डिफरेंट कलर का ऊन लगाएंगे। हम यहाँ पे लिए हैं नीला कलर का ऊन। देखिए नीले कलर का ऊन लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक दो दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद से देखिए दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे हम यहाँ पे। और क्या करेंगे, इसके बाद से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे स्किप करने के बाद से। तो एक की जगह से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए दो डबल क्रोशिया हम लोग यहाँ पे स्किप किए हैं और तीन बनाया, फिर दो स्किप करेंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस तरह से जैसे हमने बनाया है इसी तरह से देख के आप भी बनाएं। देखिए ऐसे, देखिए मैं फिर बार बार वही रिपीट कर रही हूँ कि दो स्किप करने के बाद दो डबल क्रोशिया छोड़ के हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया डिफरेंट कलर के ऊन से अपने। देखिए इसी तरह से पूरे में बनेगा हमारा। जितना हम लोग बनाए हैं पूरे में इसी तरह से इसी कलर से बन जाएगा। देखिए मैं आप लोग को बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए हो गया तीन तीन डबल क्रोशिया हम बनाए हैं। अब क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चार यहाँ पे हम चेन बनाएंगे और फिर सेकेंड वाला जो हमारा है फ्लावर उसमें दो डबल क्रोशिया स्किप करके फिर बीच से बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया एक ही जगह से बनाएंगे। देखिए ऐसे फिर वही रिपीट करेंगे हम यहाँ पे लाके, फिर सेकेंड वाला उसके बगल वाला फ्लावर ऐसे ही बनाएंगे, फिर उसके बगल वाला इसी तरह से पूरे में पूरे फ्लावर में हम नीले कलर का ये ऊपर से बना लेंगे, उसके बाद से ये नीचे से बनाएंगे। तो इस तरह से पूरा बना लें आप लोग भी।
ऐसे ही बना के देखिए, हमने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है ये वाला फ्लावर। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह बना के पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे अपना। देखिए हमने पूरा बना के इस तरह से ऐसे ही पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए अपना हम दूसरा बनाएंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से ऐसे धागे में गांठ लगा लेंगे। एक गांठ लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको देखिए हमारा ये नीचे का हिस्सा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, उसमें हम इस तरह अपना ये धागा जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे। अब बनाने के बाद से क्या करेंगे, ये जो बीच का हम लोग बनाए हैं डिफरेंट कलर का और चार चेन जो हम लिए हैं उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे देखिए मैं बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया। देखिए 5 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद से क्या करेंगे, नीचे का जहाँ से शुरुआत किए हैं अपना पहला बनाने के लिए, वहाँ पे लाके नीचे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। एक फिर चेन बनाएंगे इसी तरह से, और चेन बनाने के बाद सेम फिर से रिपीट करेंगे हम जैसे पहले बनाए हैं। 5 डबल क्रोशिया एक ही जगह से उसी वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर चेन बनाएंगे। और फिर चेन बनाने के बाद से फिर जहाँ से शुरुआत किए थे पहला हम बनाने के लिए, उस जगह पे हम हमारा ये जो है ये हिस्सा इसमें पीछे से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। देखिए मैं बहुत ही नज़दीक से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग बनाना सीख जाएं और बना लें बहुत ही आसानी से। देखिए हम देखिए क्या करेंगे, फिर वही रिपीट करेंगे सेम। देखिए 4 हुआ 5, फिर वही रिपीट करेंगे, चेन बनाएंगे, फिर वही 5 डबल क्रोशिया एक बार निकालेंगे बीच से, इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। देखिए ऐसे ही रिपीट करते आएंगे फिर, और पूरा बना लेंगे इसी तरह से। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बना के बताने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की और बताने की कोशिश करूँगी कि आप लोग जितना अच्छे से चाहें उतना अच्छे से बना सकें इसको। तो देखिए अब इसको हम पूरा बना लेंगे, फिर अपना अगला स्टेप होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को समझा के फिर से बता रही हूँ शुरू से। यहाँ पे शुरू में हमने 5 बनाया था, तो फिर हम यहाँ सेकेंड वाले में भी 5 बना रहे हैं। उसके बाद से आएंगे जब सेकेंड रो में, तो एक में से 1 डबल क्रोशिया करके निकालेंगे, फिर उसके ऊपर से जितनी हमारी रहेगी उतने में पूरे में 1 डबल क्रोशिया बनेगा। तो इसी तरह से जैसे हम पहले बनाए हैं
तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर ये डिज़ाइन देखनी है तो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आप लोगों को पता